चिकन डिनर है। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, ये चादरा ले लो, लोई ले ले दो तीन डब्बे भाई। चादरा मोटरसाइकिल बेच दे पंजी पब्लिक, ये चादर इसलिए लिए, ठंड बहुत है, सर में तेल लगाया, अभी नहाना है, खुश्की है। सो अभी आया मैं अपने किकर कपड़े, किकर समझते हो मनीषा, किकर दी इंग्लिश के, किकर दी इंग्लिश है, किकर किकर ही होता है यार, यार इंग्लिश दसो, इंग्लिश इंग्लिश किकर, देसी बंदियां नु पता लग जाएगा किकर, लेकिन शहरी मम्मी डैडी बच्चियां नु की करना, उनको कैसे बता दस ही देने उन्होंने किकर लाइक विच हैव अ बड़े बड़े कंडे एंड ही किकर ईटिंग वाज द बकरीज गोट 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 वाज ईटिंग द किकर एंड शो ऑफ शो द किकर। राजद भाई ये है किकर, अच्छा ये किकर हम खिलवाते हैं बकरियों को, बकरीज इधर नहीं है, वो उधर है, सही, वो दूसरे डेरे में, दूसरे डेरे पे है, आपको दिखाई जाएंगे। अभी मैं किकर काटूंगा, आप लोगों ने देखना है, और इस पर कंडे भी बहुत होते हैं, पाँव को लगते हैं। तो माजिद साहब ये डिस्क्राइब करें इस जगह का व्यू, ये क्या जगह है, ये किस चीज के लिए आपकी, क्या माजर, ये मैं हूँ, ये मेरी कटी है, ठीक हो गया, ये माज है, ठीक हो गया, वालदा मोहतरमा, ठीक हो गया। अच्छा जब मैं गया था ना तब ये इधर कुछ नहीं था, सही, जरा ध्यान से कैमरामैन साहब, सही सही, पीछे से गाय आ रही है, कंडा चुभ गया, बच गए, लग गए, नहीं नहीं बच गया। दसो ये कंडे जेड़े लग दे, आप लोगों को बताते हैं ये कंडा, ये कसम लगा, ये इंसान के पाँव में लगता है, मैं इसी की बात कर, ये किकर का कंडा है, माजरत जरा, ये किकर का कंडा है, ये बहुत जालिम है, आप जूते सही ना पहने तो यहाँ पे लग भी सकता है ऐसे, ये और ये हम उससे किकर को काटने लगे हैं, मतलब पौधा पूरा नहीं काटने लगे, मतलब बकरियों के लिए लोंग लाने लगे हैं, पंजाबी में बता रहे हैं, ठीक ठीक, बकरी के लिए, भैंस के लिए नहीं, भैंस नहीं खाती किकर, ठीक, तो ठीक। अच्छा बात क्या हो रही थी, बात ये हो रही थी अभी, हाँ, इस जगह की डिस्क्राइब करने लगे थे कुछ। अच्छा जब मैं गया था ना पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से 2009 तकरीबन 9 की बात है, 2009 की, ठीक, तो तब माशाल्लाह से ये हमारा पूरा यहाँ पे ना पोल्ट्री फार्म होता था बड़ा, ठीक ठीक ठीक, उसके अंदर हम चूचे रखते थे। तो एक मिनट में कैमरे का व्यू दिखा दूं, ये पोल्ट्री फार्म है, ये देखें आप। तब ये कुछ नहीं था, ये दरख्त भी बिल्कुल छोटे छोटे अपने हाथों से लगा के गया था। अच्छा आज 12 साल के बाद आया हूँ, ये बड़े बड़े दरख्त बन गए हैं माशाल्लाह से, ये भी, और उसके बाद हमने पोल्ट्री फार्म खत्म कर दिया है, इधर ये मज्जे रखी हुई है, सही, और साथ में है इनके गाय, सही, देसी, ठीक, और साथ में है बकरियां, लेकिन आज भी ये जगह की बहुत यादें हैं, जहाँ पे हम अपने चूजे वगैरह रखे होते थे, सही, हमारा बचपन यहीं पे गुजरा था, हमसे पहले ये बने हुए तकरीबन इस पोल्ट्री फार्म को बने हुए 40 साल हो गए। उधर से अबू जान आ रहे हैं, अबू जल्दी में इसलिए आए हैं क्योंकि उनको मैंने बोला था कि मैं दरख्त पे चढ़ जाऊंगा, उन्होंने बोला था नहीं चढ़ना ऊपर, तो वो जल्दी में डर के आए हैं कि कहीं की ये चवल बनी ना कर जाए। सही, तो ये दरख्त है, सॉरी माजर, ये पोल्ट्री फार्म है ना जो, इसमें हमने बचपन निकाला है अपना, सही, इसमें बहुत सी यादें ऐसी हैं, मुश्किल टाइम भी देखा है यहाँ पे, अच्छा भी देखा है, अब हमने इसको बना लिया फार्म मजूंगा, ठीक ठीक ठीक। यहाँ पे हमारी गायें किधर की जानी, गायें दूसरे बाड़े से ना भाई, उधर ने, तो अब ये हमने मजू के लिए रख लिया, यहाँ पे मज्जे शज्जे बनते हैं, यहाँ से हम पट्ठे काटते थे, ये जगह जो हम यहाँ पे पट्ठे काटते थे, बहुत टाइम यहाँ पे भी अच्छा गुजरा है, और ये तब ये बूटे शूटे नहीं थे, ये बाद में लगाए गए, और क्या क्या बताऊँ, यहाँ पे मैंने कबूतर रखे हुए थे, कबूतर थोड़ी इसके अंदर से अनबॉक्सिंग कर, अंदर जगह बहुत डर जाएगी, नहीं डर दे यार, अपना माहौल है देसी, मैं हवेली टाइप बनाना चाह रहे हैं मैं, ये मज्जों की खुरली है, ठीक हो गया, जो ये लोग देसी बंदे देखेंगे पंजाबी अपने पंजाब इंडिया तू, उन्होंने सही समझ आएगी मैं की कहना, फिर ये उनकी ये घास खाने के लिए जगह है, यहाँ पे पट्ठे अक्सर जो कद्दू अपनी गतावा खाती है, अक्सर मेन जो मतलब है ना गतावे का वो ये चीज है जो बैंसू को ये उष्णा अगर देखेगी ना वीडियो, आपको पता होगा कि मैं उष्णा को कहता हूँ कि गतावा काम खाया कर, गतावा ये है, ये बैंसू को डालते गतावा, तो इसको हम गतावा कहते हैं, लेकिन कद्दू वो गतावा खाती है, तो ये इनकी जगह है, यहाँ पे हमने बंदी होती है, वो दिखाते हैं बाद में, रात को जब ठंड ज्यादा हो जाती है फिर यहाँ पे हम लोग इनको रोकते हैं अंदर, यहाँ पे अंदर होती है क्योंकि ठंड ज्यादा होती है, उसके अलावा और क्या देखूंगा यहाँ, और ये जो साइड में जगह है यहाँ पे भी अपनी जगह है माशाल्लाह, हमारी सर पट्ठे छठे होते हैं मज्जू वाले, तो ये काट के डालते हैं, उसके अलावा ये देखो जी आप आइए नसरी मुद्दे वाली बात, ये होता था हमारा पोल्ट्री फार्म, इनमें हम चूजों को खराब वगैरह डालते थे, सब कुछ होता था, लेकिन अब ये खत्म हो गया, यहाँ पे हमारा बचपन गुजरा है, और
और अक्सर जब चूजे नहीं होते थे हम लोग क्या करते थे, इधर उधर खिड़कियां बंद, दरवाजे बंद करके चिड़ियां पकड़ते होते थे। लो चिड़ियां, पंजाबी समझ लेंदे समझ लेंदे सारे। यार मेरी बात सुन, मैंने ना अब ये उर्दू में बोला है ना, अब अगला व्लॉग आएगा फुल पंजाबी में, जो देसी बंदे देखे सिर्फ उनको समझ आए। ठीक ठीक ठीक, उनको पंजाबी में डिटेल में समझाऊंगा, अभी सिर्फ उर्दू वालों के लिए, क्योंकि कुछ लोगों को पंजाबी नहीं आती। तो अगला व्लॉग जो होगा ना वो देसी बंदों के लिए होगा, वो पंजाबी में बताऊंगा सब कुछ। ठीक। अच्छा, उसके अलावा ये बस हो गया ना, इधर उधर हो गया जी। पहले ये दरवाजा आता था इसका मेन, जो हमने तोड़ टूट दिया, अब लोग ये देखो। नहीं अभी भी चलता है। अच्छा और क्या करना है, बाकी गायें हैं वो उधर हैं, आपको आगे जाके दिखाते हैं। और ये सब घर जो है ना मेरे आने के बाद बने, सामने वाले। ठीक ठीक। जब मैं तब छोटा था जब, तो ये चप्पलियां माए खिसकनियां नहीं कुदै। बहुत ही बड़े ऊंचे पेड़ पे चढ़ चुके हैं, मैं जूम आउट करके दिखाऊं तो माशाल्लाह। तो ये देखें आपके कितने ऊपर चढ़े हुए हैं, और ये आरी से काट रहे हैं, इन्होंने जिद बना ली है कि मैंने ये काटना है, क्योंकि आरी जो थी वो थोड़ी सी खुंडी थी, चल नहीं रही थी सही। तो ये गिर गया है एफएम साहब अपने इस, तो 50,000 यूसी का इनाम मिला, ग्रेट ओपनिंग की है। सो नाजरीन, एफएम रेडियो पहली बार बाइक चलाते हुए पाकिस्तान में 12 साल बाद, तो इनसे पूछते हैं कि इनके क्या समाचार हैं। तो ये देखें आप गियर कट के गलाओ। समझ गया क्या? नहीं बंद करो, पेट्रोल जा रहा है, पेट्रोल महंगा पेट्रोल इमरान खान की दुआओं में थे ना, न्यू पाकिस्तान है।